हे गाइस, आज मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने डबिंग चैनल पे कॉपीराइट से बच सकते हैं। अब आप ये बोलोगे तो तुम्हारा भी डबिंग चैनल है, तुम्हारे दो दो स्ट्राइक आए हुए हैं। तो गाइस, मैंने क्या गलती किया था आपको वो बताऊंगा, आप गलती मत करना। और ये भी बताऊंगा कि आपके डबिंग वीडियो पे कैसे कॉपीराइट क्लाइम आ जाता है, ठीक है गाइस। और मेरे वीडियो पे काफी सारा पे कॉपीराइट क्लाइम नहीं है, कुछ पे है तो वो तो आएगा ही भाई, मैं बहुत ज्यादा ज्यादा यूज किया हूँ, ठीक है, तो समझ जाना। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप सभी को पूरा क्लियर समझा दूंगा कि YouTube का वीडियो लेने पर भी हमको कैसे कॉपीराइट का लाइन नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि मेरे को जो है कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे मिला था, ये आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने क्या गलती किया था, मेरा गलती यह था दोस्तों कि मैं जो है बाबूराव, आप देखते होंगे हेरा फेरी वाला जितने भी कॉमेडी है, वो जो है कंपनी अप्लेक्स सॉफ्टवेयर कंपनी को जो है वो मतलब दे दिया है कि लीजिए भाई साहब पैसा कुछ और हमारे जो है मूवी का जो सुरक्षा कीजिए। अगर कोई भी 20 सेकंड से ऊपर थोड़ा सा भी क्लिप मतलब 20 सेकंड का ऊपर लेता है तो उसको जो है मार दीजिए स्ट्राइक्स। और अप्लेक्स सॉफ्टवेयर कंपनी ऐसा कंपनी है जो आप स्ट्राइक मार देगा तो आपका जो स्ट्राइक फिर वापस नहीं लेगा, 90 डे के बाद ही हटेगा वो स्ट्राइक। तो कुछ ऐसा सीन हुआ है, तो ऐसे कुछ मूवी है जो कि सॉफ्टवेयर अप्लेक्स कंपनी को दिया हुआ, अप्लेक्स सॉफ्टवेयर कंपनी को कि लीजिए भाई साहब हमारे मूवी का सुरक्षा कीजिए, कोई भी हमारे खिलाफ अगर यूट्यूब पे इसको डालता है तो इसको जो है आप स्ट्राइक मार दीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ नियम है यूट्यूब का और उस अप्लेक्स सॉफ्टवेयर कंपनी का। अब मैं आप लोग बताता हूँ कि यूट्यूब का वीडियो लेने पर भी हमको कैसे कॉपीराइट क्लाइम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। तो गाइज देखिए, मैं अगर आप जाकर मेरे मैक्सिमम वीडियो में जाकर देखिएगा डबिंग वाले चैनल पे, तो वहां पे मैं छोटा छोटा क्लिप लेता हूँ। कोई कोई ऐसा वीडियो होगा जिसमें एक मिनट या दो मिनट लेता हूँ, तो उसमें भी कुछ मैं ट्रिक्स का आजमाता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक बार कोई सीन होता है, कुछ बोलना होता है सनी देओल का, तो वो सनी देओल को वहीं पे बोलवाता हूँ, फिर उसी को उठाकर दूसरे सीन में लगा देता हूँ और उसी पे मैं फिर दूसरा लिपसिंग कर लेता हूँ, अगला जो भी क्रिएटर होता है उसका कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो उस तरह से मैं अपना थोड़ा दिमाग का प्रयोग करता हूँ और यहाँ पे तुमको भी ऐसा ही करना होगा, ठीक है गाइस। तो तुम भी ऐसा करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। और हाँ, दिमाग लगाओ, ऐसा बात नहीं, एक मिनट से वीडियो लेना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को सोचते हो कि नहीं भाई हमको बचना है पूरा, ज्यादा ही रिस्क नहीं लेना है, तो रिस्क नहीं लेना है तो दोस्तों आपको कोई भी YouTube से वीडियो उठाओ, उसमें जो फनी लग रहा है तो 20 सेकंड के अंदर या फिर 15 सेकंड के अंदर उसको जो है यूज कर लो। इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है YouTube पे, YouTube भी नहीं कुछ उसका YouTube के एल्गोरिथम में नहीं आता है, ठीक है। 15 सेकंड से अगर ऊपर लेते हो या फिर 20 सेकंड से ऊपर तब जाकर हो जाए स्ट्राइक या क्लाइम आ सकता है, लेकिन आप 15 सेकंड से नीचे लीजिएगा तो स्ट्राइक देने का कोई और क्लाइम देने का कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि मैंने खुद अपलोड कर करके देखा है। सो गाइस, यही था कुछ बातें। अगला वीडियो लाने वाला हूँ कि आप डबिंग वीडियो एकदम अच्छे वाला कैसे बना सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। तो मिलता है अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।